मैं कराऊं और मैं इनको आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, एटलीस्ट कोशिश करूंगी। इस आलमी वबा या वबाई आलम में बहुत सारे प्यारे लोग हमसे बिछड़ गए और उनको अल्लाह मगफरत करे, उनकी जुदाई का गम तो है, लेकिन उसके साथ ये भी है, ये सोच तकवीत देती है कि वो इस आर्जी दुनिया से निकलकर एक बेहतर जगह पे, एक दायमी जगह पे चले गए हैं। जैसा कि शायर ने कहा है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। तो इसी तरह पिछले साल हमारे अजीज दोस्त सिराज कारातेला हमसे जुदा हो गए, और सिराज कारातेला को आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो अटलांटा के कोई 40 साल तक यहाँ के मकीन रहे, यहाँ पे मुकीम थे, और उनकी खास बज़्म अदब के हवाले से एक अहमियत ये है कि वो हमारी बज़्म के, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के बानी मेंबरान में से थे, शायद आप लोगों को ना पता हो। और यानी कि ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन, और उनका जो अदब से ताल्लुक़ था, बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने अटलांटा में मुनक़द किए, मुशायरों में हमेशा शामिल रहे। गालिब के, मिर्ज़ा गालिब के वो बड़े शदाई थे, और दीवान गालिब उनको शायद आधे से ज़्यादा हिफ्ज़ था, ज़बानी याद था, और उन्होंने गालिब का किरदार भी कुछ गाँवों में अदा किया, मिर्ज़ा गालिब का कैरेक्टर। तो उनकी गालिब से उनसियत की मिसाल इस तरह, इस मिसाल से आपको अंदाज़ा होगा कि जब अपनी जब उनकी शादी हुई तो शादी पे उन्होंने अपनी बेगम को मुँह दिखाई है दीवाने गालिब पेश की। तो ये बनकर बात नहीं है, मुबालगा आ रही है, सच्ची बात है। शाही कारातेला बेगम यहाँ बैठी है, आप उनसे पूछ लीजिए। तो वो हर तकरीब में शामिल होते थे, हर प्रोग्राम में होते थे, और कभी कभार ऐसा होता था कि वो कोई प्रोग्राम मिस कर देते थे, वादा किया होता था। उनसे जब शिकायत की जाती थी कि भाई सिराज आप फलाने प्रोग्राम में नजर नहीं आए, आप दवा दे गए, तो ये उनका एक फेवरेट शेर होता था जो वो पढ़ते थे, उसके जवाब में अपनी मुस्कुराहट के साथ, बड़े इंकसारी के साथ, कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई बेवफा नहीं होता। तो आज हमने फिर ये तकलीफ मुनाकत की है और वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो हाजरीन कराम कहते हैं, सुनते आए हैं, कि जब आप किसी को सिद्क दिल से उसके बारे में सोचें और याद करें, तो वो शख्स चाहे कितना भी दूर हो आपकी बात सुन लेता है। बहुत अच्छे प्रदान है। और शायद ऐसा भी होता है कि यूँ महसूस होता है कि वो आपको जवाब दे रहा है। तो ये बात मैं तो कह रही हूँ, लेकिन इस बात की तस्दीक कि बात जो है, सोच जो है, वो दिल से निकलनी चाहिए, तो इस बात की तस्दीक अल्लामा इक़बाल ने भी की, और उन्होंने ये कहा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास रखती है, कुदसियत असल है, रफ़त पे नजर रखती है, खाक से उठती है, जमीन से आती है, गर्दों पे नजर रखती है। क्या बात। और मैंने गर्दों बोला है, गुर्दे नहीं, गुर्दों पे नजर रखती है। गर्दों यानी के आसमान तक। तो जो दिल से सोच निकलती है वो जमान और मकान की कैद से आजाद होती है, और उसका गुजर, उसकी पहुंच 7 आसमानों के पर होती है। तो इस तसव्वुर को ज़ेर ख्याल रखकर, पेश नज़र रखकर, आज की इस बज़ के प्रोग्राम के, इस बज़, आज की इस बज़ के प्रोग्रामी जरीदे के अगले जुज की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे हदीया
एजदी यानी कि हदिया एजदी यानी कि अल्लाह का इनाम, अल्लाह का तोहफा यानी कि इनाम अल्लाह। उन्होंने भी इसी तरह दिल से सिराज तारातिल्ला को याद किया, तो उनके दिल से किया था। तो ना सिर्फ ये कि उनका उनका पैगाम, उनका संदेशा सिराज तक पहुंचा, यही नहीं बल्कि सिराज ने उनको एक जवाबी ख़त भी इरसाल किया। तो वो ख़त मौसूल हो चुका है, सिराज तारातिल्ला का जवाबी ख़त। सिराज तारातिल्ला का जन्नत से दूसरा, सिराज तारातिल्ला का जन्नत से पहला जवाबी ख़त। तो ये पेशकश और तहरीर है मोहम्मद इनामुल्ला की, और यही आपके आगे इसको पढ़ के सुनाए गए। शुक्रिया। रज़ाना ने जिस खूबसूरत तरीके से अभी आपके सामने पेश किए, आपने सही तरह से उसकी इज्जत की, जरा भरपूर तालियां। आप हमेशा तो एक और आपसे गुजारिश ये है कि जब मुशायरे की और शेर व शायरी की महफिल होती है तो आप अशार के ऊपर बढ़ चढ़ के दाद देते हैं, मुकर्रर कहते हैं, तारीफ करते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि जब नसर की भी कोई आइटम पेश की जाए तो उस वक्त भी आप उसकी तारीफ करें, अगर मुकर्रर कहना चाहें तो आप वो भी कह सकते हैं। इंतज़ार ना करें कि जब तक कि वो पूरा आइटम ख़त्म हो उसके बाद आप उसकी तारीफ करें, तो उससे मुसन्निफ़ की दिलजमाई होती है, हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ अगर कोई जुमला, कोई स्टेटमेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ भरपूर तालियां और ज़रूर उसको सराहा जाए। शुक्रिया। इसके लिए मैंने $30 दिए थे। मुकर्रर $40 हो जाएंगे। सिराज भाई का जवाबी खत शाहीन भाभी की इजाजत से। इनाम मियां खुश रहो, आबाद रहो, तुम्हारा मोहब्बत नामा मिला, इमला की गलतियों के अलावा हर चीज पढ़कर अच्छी लगी। इनाम मियां ने हमारी आदत रही है कि ताल्लुक के शुरू में ही सीधी और खड़ी बात कर ली जाए और खुलूस और मोहब्बत आखिर में। तो सुनो, तुमने खत में लिखा है कि आपने अपनी दिल की बातें छुपा कर क्यों रखी, शहर में किससे शिकवा है, किसकी बात ने दिल दुखाया है, ये सब बातें आपने मुझसे क्यों नहीं की। जवाब का बुरा ना मानना, बस एक शेर वार से सुन लो। हम आसानी से खुल तो जाते मगर एक मसला था, तुम्हारी सतह से ऊपर थी तहदारी हमारी। तुम तो हमारे सामने के बच्चे हो, जब भी किसी ने कोशिश की कि हम लोगों के लिए कोई मनफी बात करें तो हमने साफ कह दिया, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। वाह वाह वाह। तो चलो, अपनी आदत के मुताबिक पहले खरी खरी कह चुके तो अब मोहब्बत की सुनो। ये सच है कि मुझे तुमसे मोहब्बत थी और हमेशा रहेगी, मगर इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। मोहब्बत तो एक अजीब मुअम्मा है कि ये कभी भी किसी से भी हो सकती है, चाहे वो शख्स कितना ही घटिया क्यों ना हो। जी भाई, और कितना घटिया करेंगे। जी मैं पढ़ देता हूं, मगर इसमें तुम्हारा कमाल नहीं। मोहब्बत तो एक अजीब मुअम्मा है, ये कभी भी किसी से भी हो सकती है, चाहे वो शख्स कितना ही घटिया क्यों ना हो। मोहब्बत उससे नहीं होती जो बाकमाल हो,
बल्कि बाकमाल शख्स वो होता है जिससे मोहब्बत हो जाए। वाह वाह वाह। तुमने पूछा है कि जन्नत कैसी लगी, जन्नत तो जन्नत है, किसे अच्छी नहीं लगेगी, मगर यहां आने के बाद पता चला कि खालिक हकीकी ने हमारी जमीन पर चंद ऐसी नेमतें नाजिल की हैं जो जन्नत में भी नसीब नहीं। चूंकि तुम्हें कुरेद कुरेद कर पूछने की आदत है, जन्नत में बंस रोड वाली साबरी की नहारी नहीं, जन्नत में चौधरी फजल अली की कुल्फी नहीं, जन्नत में डॉक्टर खालिद सिद्दीक, हसन कमाल, वाहिद इस्लाम और अकबर जैदी जैसे दोस्त नहीं। वाह वाह वाह। डॉक्टर खालिद ने जिस तरह मेरा ख्याल रखा, कोई सगा भी नहीं रखता। अल्लाह इन्हें सेहत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। इसमें शक नहीं कि डॉक्टर साहब के इलाज की वजह से मैं कई तकालीफ से दूर रहा, लेकिन यह हकीकत है कि मीजान इश्क में जब बारहा तोला, मुस्कान यार तिबे लुकमान से बेहतर निकली। हां, तुम्हारी भाभी शाहीन जब भी मुस्कुराती, मेरी तमाम तकालीफ, तमाम बीमारियां यकदम गायब हो जाया करती थी। यहां पहुंचकर जॉन एरिया से दोस्ती हो गई। अच्छा। मैंने पहली मुलाकात में शाहीन का तस्करा कर दिया। कहने लगे क्या तुम्हें भी इकबाल वाली बीमारी है? मैंने कहा इकबाल का शाहीन मुजक्कर था, मेरी शाहीन मुअन्नस है। जब इन्हें मेरे इश्क का अंदाजा हुआ तो कहने लगे कि जब आखिरकार शाहीन यहां पहुंचे तो उन्हें बर्राक वाली बग्घी की गाड़ी में बिठाकर घर लाना। वाह वाह। जॉन एरिया बेचारे क्या जाने कि शाहीन को बुर्राक वाली गाड़ी में नहीं, अपने दिल में बिठाकर घर लाना। हर मर्द मोमिन की तरह मुझे भी 70 बूंदें अलॉट हुई। मुझे दरिया के किनारे ले जाया गया जहां बूंदें पानी से खेल रही थी। सबने मुख्तलिफ रंगों के मलबूस जेबे तंग किए थे, सफेद, लाल, गुलाबी, नारंगी, पीला, चंपई, हरा, नीला वगैरह वगैरह। मियां, मैंने किसी हूर पर दूसरी नजर तक नहीं डाली और फरिश्ते से यह कहकर पलट गया कि ये हूरें हमारी किस काम की, एक में भी शाहीन की शबाहत तक नहीं। पलट कर वापस जा रहा था तो इसी दरिया के किनारे पर जॉन एलिया से पहली मुलाकात हुई। वो एक हूर के साथ बैठे थे, दायां हाथ हूर की छोड़ी पर था और बाएं हाथ से अपने बाल मुंच रहे थे और हूर से कह रहे थे कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती, आम वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे? बहुत मैंने माजरा पूछा तो फरमाया कि हूर हमें बेहद पसंद है, लेकिन ये हमें सिर्फ जॉन कहकर काटती है, पूरा नाम नहीं लेती, जॉन एलिया। मैंने कहा हुजूर, एलिया हजरत अली का लकब था, हो सकता है इनकी ताजीम में यह लकब किसी और के लिए इस्तेमाल न कर पाती हो। जॉन को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा, फौरन खड़े हो गए, हमारा माथा चूमा और कहा जानी जो अली का आशिक, हम उसके आशिक। हूर को फराम किस कहा और मेरे साथ बोलिए, वो देखने रात का दिन मेरा पीछा नहीं छोड़ते। डॉक्टर शाहिद रफीक मुखलिस इंसान है, सिवाय खुद अपनी तकलीफ के हरेक की तकलीफ का इजारा करने की कोशिश करते हैं। वैसे ये बात इस्तेमाली नहीं। फिर से, डॉक्टर शाहिद रफी इंसान है, मुखलिस इंसान, खुद अपनी तकलीफ के
सिवाय खुद अपनी तकलीफ के गरीब की तकलीफ का इजाला करने की कोशिश करते हैं। इनके लिए दिल से दुआ निकलती है क्योंकि इनकी मिसाल मकबूजा कश्मीर की है। दो बीवियों के दरमियान ऐसे फंसे कि किसी और से सरहद मिलाना मुश्किल हो गया। इन्हें मशवरा देना कि चंद सरहदें अभी बाकी हैं, उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ो। अफगानिस्तान रह गया, चीन भी सुना, चीन जाके रहती हूँ। ईरान मियां, तुमने शिकायत की है कि गालिब शहर का किरदार मैंने जाते हुए तुम्हारे सुपुर्द क्यों नहीं किया। हिम्मत है तो ये शेर सुनो, कैसे दरिया की हिफाजत तेरे जिम्मे ठहराऊं, तुझसे एक आंख अगर नम नहीं रखी जाती। तकरीबन 20 बरस पहले तुम्हारी मुलाकात डॉक्टर फरजाना भरमत से इसलिए करवाई थी कि तुम अपने अदबी जौक में कुछ गहराई पैदा कर सको। तुमने इनसे कुछ सीखने के बजाय इनको भी शोबिस की तरफ घसीटा दिया। हाँ, शोमैन वाकई तुम अच्छे हो, इधर उधर से चीजें चुराकर इनमें अपना मर्च मसाला डालकर एक दिलचस्प हंडिया बना लेते हो। मगर मियां, इस काम को अदब नहीं कहते। अदब सीखने के लिए खौलते पानी वाले समंदर में गोता लगाना पड़ता है, सांस रोककर सीपियां ढूंढना पड़ती हैं, सीपियों से खूबसूरत और हम वजन मोती यानी अल्फाज चुनना होते हैं, हर मोती को चमक के हिसाब से अलग अलग ग्रोह में तकसीम करना पड़ता है। हार बनाने के लिए पहले मोती को खूने जिगर से धोना पड़ता है, क्या बात है, और फिर आंसुओं से घिस घिस कर पॉलिश करनी पड़ती है, वाह वाह, तब जाके अदब तकलीफ होता है। मुझे यकीन है कि ये पैराग्राफ तुम्हारे सर से बाउंसर की तरह गुजर गया होगा। वक्त निकालो, या तो फरजाना या तलन आपा के पास चले जाओ और छोरी फैला दो। तुम्हारे साथ आखिरी ड्रामा दो आलमी मुशायरा एक यादगार प्रोजेक्ट था। तुम्हारे इसरार के बावजूद गालिब का किरदार मैंने इसलिए ठुकरा दिया था कि तुम्हारी तहरीर में इन्हें शराब पीता दिखाया गया था। कुछ लोगों ने फकरे फितरे भी कसे थे और हमें मौलाना सिराज भी कहा था। हम यानी शादी से पहले ऐसे नहीं थे मियां। मैं अगर अपनी जवानी के सुनाने लग जाऊं तो इससे तुमसे लौंडे मेरे पांव दबाने लग जाए। मगर जब से शाहीन और इस्लाम हमारी जिंदगी में आए, हमें तब्दील होना पड़ा। उम्मीद है तुमने बुरा ना मनाया होगा, और अगर बुरा लगा तो हमारी तरफ से माफ़। बचपन ही से दो टोक बात करना हमारी आदत रही है, अब सोचता हूं तो हंसी आती है। पांचवी जमात में उस्तानी ने कहा कि अगर दुनिया में कुछ बनना चाहते हो तो हर उस्तानी को अपनी मां समझो। हमने झट दे दिया कि तो फिर तो हमारे अब्बू का किरदार मशकूक हो जाएगा। हमारी इन बेहंगम और मजाकदार बातों से यह मत समझ लेना कि हम गम जैसी कीमती चीज से वाकिफ नहीं, बस इजहारे गम हमारी फितरत में शामिल नहीं। हुजूमे गम में भी तौहीने जब्ते गम न हुई, इस एहतियात से रोए कि आंख नम नम न हुई। इरानी, आपने मशवरा मांगा है कि जिंदगी कैसे गुजारी जाए, तो सुनो, गरीबों के सामने दौलत की बातें ना करो, बीमार के सामने सेहत और तंदुरुस्ती की बातें ना करो, कमजोर के सामने ताकत की बातें मत करो, कैदी के सामने आजादी की बातें मत करो, यतीम के सामने मां बाप का जिक्र मत करो, और इस शख्स की पैरवी करो जो बिस्किट में चाय डुबोकर सही सलामत निकाल ले। खत लंबा हो गया, वरना जिन मोहब्बत करने वालों से यहां जन्नत में मुलाकात हुई उनका जिक्र भी करना था। चलो अगले खत में सही, जैसे सायरा भाभी, जैसे गुलाम मुहिद्दीन भाई और भाभी रेहाना, और वो तुम्हारी दोनों रोशन आंटियां जिन्हें तुम मिलाकर रोशनियां कहा करते थे। मुझे पता है कि तुम अपनी रोशन आरा आंटी को याद करके अक्सर पलकें भिगोते हो,
मगर शर्मिंदा क्यों होते हो? इसमें कोई बुराई नहीं, किसी की याद में दिल भर आना अच्छी बात है, मगर यह कभी मत समझना कि तुम्हारी रोशन आंटी यहां जन्नत में खुश नहीं। बस एक काम करना कि हम सबके लवाहिकीन को इतना बता देना कि हमारी जन्नत की जिंदगी तुम्हारी दुनिया से बहुत खूबसूरत है, ना यहां कोई तकलीफ, ना बीमारी, ना परेशानी और ना ही ट्रंप। बहुत अच्छा। मनपसंद खाना, खुशबू ही खुशबू और हर तरह का एंटरटेनमेंट। हमारी फिक्र ना करें कि हम सब यहां बहुत खुश हैं, बस अपना ख्याल रखें। कोरोना की तरफ से परेशानी रहती है कि अल्लाह तुम सबको इस मुसीबत से महफूज रखे। दिल से दुआ है कि न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे नया साल सबको रास आए। अब इजाजत, तुम्हारा बड़ा भाई सिराज।